बीजेपी एक बयान जारी करती है और बयान जारी करते हुए नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर देती है। कहती है बीजेपी कि पार्टी ऐसे किसी भी विचारधारा को के बिल्कुल खिलाफ है जो किसी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है। वह सभी धर्मों का आदर करती है और किसी भी धार्मिक महापुरुष के किसी अपमान की पुरजोर निंदा करती है। ऐसा क्या हुआ बीजेपी में जिसकी वजह से नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया? ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या नुपुर शर्मा ने कह दिया जिसकी वजह से ना ही केवल भारत, भारत के अलावा और भी कई देश इससे नाराज हो गए। कई देशों में भारतीय वस्तुओं को बायकॉट किया जाने लगा, पूरे भारत भर में दंगा छिड़ गया। सवाल है, ऐसा क्या कर दिया नुपुर शर्मा ने? और दूसरा सवाल है, कौन नुपुर शर्मा? नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर नेतागिरी, जिसमें आज कहानी नुपुर शर्मा और नुपुर शर्मा के उस विवादित बयान की। लेकिन इस कहानी के साथ एक सवाल भी है और उस सवाल को मैं आखिरी में आपसे पूछूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी एक शांत चित्त मनोस्थिति से जवाब दें। समझिए, 26 मई को नुपुर शर्मा टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ विवादित शब्द बोल देती है, अपमान कर देती है। नुपुर शर्मा के इस कमेंट को लेकर के पूरे देश भर में और कई सारे देशों में विरोध शुरू हो जाता है। सबसे पहला विरोध हमें दिखता है इस घटना के 10 दिनों के बाद कतर में। कतर हमारे सामानों को बायकॉट करने लगता है। उसके बाद कुवैत, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान जैसे कई सारे देश इसका विरोध करने लगते हैं। भारतीय प्रोडक्ट को वहां पर भेजना भी बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो लोग खरीदने से मना कर देते हैं। सवाल है, नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या कह दिया? और नुपुर शर्मा है, नुपुर शर्मा ने क्या कहा वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सवाल है, नुपुर शर्मा है कौन या थी कौन जिसके एक बयान मात्र से इतना बड़ा हंगामा? तो समझो, पार्टी से निष्कासित होने के पहले 37 वर्षीय वकील रही नुपुर शर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानूनी विभाग से पढ़ाई कर रही थी। 2008 में उनका पहला राजनीतिक सफर शुरू होता है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो जुड़ जाती है। 2008 से 2009 तक दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रही। लेकिन सबसे पहले नुपुर शर्मा को प्रॉपर चुनावी मैदान के अखाड़े में देखा गया 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में इन्हें बीजेपी की मीडिया कमेटी का कार्यभार दे दिया गया और उस कार्यभार को काफी बेहतरीन तरीके से नुपुर शर्मा निभाए, जिसका नतीजा ये होता है कि इसके 2 साल बाद दिल्ली विधानसभा का एक और चुनाव होता है और उस चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के प्रतिद्वंदी बनकर के इस चुनावी अखाड़े में नुपुर शर्मा उतरती है। ये और बात है कि नुपुर शर्मा उस चुनाव को हार जाती है, लेकिन वो भारतीय राजनीति में और खासकर भारतीय जनता पार्टी में अपना एक बहुत बड़ा ओहदा बना लेती है और यहां से शुरू होता है नुपुर शर्मा का राजनीतिक सफर। नुपुर को 2020 में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया जाता है और इसी बीच में नुपुर शर्मा का यह बयान आता है। ये जो बयान दी उसके बाद पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन निकल जाने के बाद नुपुर शर्मा अपने ट्विटर हैंडल से मैसेज पोस्ट करती हैं। वो मैसेज क्या है, एक मिनट में उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूं। नुपुर शर्मा लिखती हैं, मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने यह कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं फवारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाके पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैं रोष में आकर के कुछ चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मेरी मनसा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी,
ये नुपुर शर्मा का बयान था। इसके बाद कई राज्यों में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, कई लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया, लेकिन वो गुनहगार हैं, दोषी हैं, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात तो मैं साफ जानता हूँ, नुपुर शर्मा जो शब्द का इस्तेमाल की वो गलत है, ये बात बिल्कुल सत्य है, इस बात से मैं एग्री करता हूं। लेकिन यहां पर एक सवाल है, और सवाल ये है कि नुपुर शर्मा जैसा लिखी है कि लोग कुछ कह रहे थे, नुपुर शर्मा जो कहीं वो गलत है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन एक सवाल है, सवाल ये है, क्या जो लोग कह रहे थे कि शिवलिंग नहीं फवारा है, यहां तक के बाद जो पॉइंट बोले हैं, क्या बोले हैं कि दिल्ली के हर फुटपाथ पर शिवलिंग है, जाकर के पूजा कर लो, क्या ये सही है? ये बात बिल्कुल सत्य है कि नुपुर शर्मा अपने शब्दों पर गलत बोली, अपने गलत शब्दों का इस्तेमाल की पैगंबर साहब के बारे में, लेकिन क्या ये सही है कि दिल्ली के फुटपाथ पर शिवलिंग का बात किया जा रहा है? क्या ये सही है कि इस बयान के बाद कुछ असामाजिक तत्व मंदिरों में और कुछ सरकारी संपत्तियों में, सार्वजनिक संपत्तियों में हमला कर रहे हैं, लोगों पर हमला कर रहे हैं, क्या ये सही है? किसी एक व्यक्ति के बयान की वजह से पूरे देश भर में ये तोड़फोड़, हंगामा और दंगा छेड़ देना, क्या ये सही है? यहां पर बात बिल्कुल सही है कि एक व्यक्ति ने किसी धर्म विशेष का अपमान किया, इसका फैसला कि क्या सजा मिलना चाहिए न्यायालय के हाथ में है, न्यायालय देने वाली है, आम जनता का कोई अधिकार नहीं कि इस पर इस तरीके का वो हंगामा करे। लेकिन हम और आप कौन होते हैं ये तय करने वाले, वो तो माननीय न्यायालय तय करेगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं जनता का जवाब, आप सभी कमेंट में बताएं, क्या नुपुर शर्मा सही है या वो लोग सही हैं जो शिवलिंग के बारे में अब शब्द बोल रहे हैं, या वो लोग सही हैं जो दंगा किए? अगर नुपुर शर्मा गलत है, बिल्कुल सही बात है, बाकी सब लोग भी गलत हैं, लेकिन मैं जनता का जवाब चाहता हूं, मैं आप सबों का जवाब चाहता हूं। आप सभी शांत चित्त होकर के अपने आप से सवाल पूछें कि कौन सही है, नुपुर शर्मा या वो असामाजिक तत्व, और कमेंट में हमें आंसर दें, कमेंट में बताएं कि आपके नजर में कौन गुनहगार है, कौन असली गुनहगार है, आप किसे सही और किसे गलत मानते हैं। इसी सवाल के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।